अच्छा जी, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, टिरैगो पैलेटाइन फोसा। हमने पीछे एक बार देखा था कि ये जो टिरैगो मैक्सिलरी फिशर है, इस फिशर के थ्रू हम टिरैगो पैलेटाइन फोसा को देख सकते हैं। मतलब टिरैगो मैक्सिलरी फिशर यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे था, मतलब इसके लेटरली हम इसकी अब बाउंड्रीज़ देख रहे हैं, टिरैगो पैलेटाइन फोसा की बाउंड्रीज़, इसके कंटेंट्स और इसके कम्युनिकेशंस आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ये यूनिवर्सिटी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो टिरैगो मैक्सिलरी फिशर क्या है, यहाँ पे लेटरली होगा। अब देखते हैं कि इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, इस ऑर्बिट का जो एपिक्स होगी, एपिक्स उसके बिल्कुल ये इन्फीरियर है, ये टिरैगो पैलेटाइन फोसा ऑर्बिट की एपिक्स के इन्फीरियर है। अच्छा, इस टिरैगो पैलेटाइन फोसा के एंटीरियरली कौन सी स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, ये देखें मैक्सिला का पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है जी। अच्छा, इस टिरैगो पैलेटाइन फोसा के पोस्टीरियरली कौन सी स्ट्रक्चर ये पड़ी हुई है, ये टेरिगेट प्रोसेस है सफिनाइड का, टेरिगेट प्रोसेस ऑफ सफिनाइड। अच्छा जी, इसकी मीडियली कौन सी स्ट्रक्चर होगी, पैलेटाइन बोन की जो परपेंडिकुलर प्लेट है वो इसकी मीडियल वाल बना रही है, जबकि पैलेटाइन बोन की जो पैरामिडल प्लेट है वो इसका फ्लोर बना रही है, फ्लोर। तो इसका रूफ़ कौन सी स्ट्रक्चर बना रही है, ये ऊपर देखें ग्रेटर विंग ऑफ सफिनाइड आ रहा है, इन्फ्रा टेम्पोरल फोसा में भी आया है जो उसकी कंटिन्यूएशन है, तो ग्रेटर विंग ऑफ सफिनाइड इसका रूफ बना रहा है, तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द टिरैगो पैलेटाइन फोसा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, आपने मैक्सिलरी याद रखना है, एक मैक्सिलरी आर्टरी का के थ्री पार्ट्स थे। कौन सा पार्ट बेसिकली टिरैगो पैलेटाइन फोसा का कंटेंट है, जो इसका थर्ड पार्ट था जिसे हम टिरैगो पैलेटाइन पार्ट कहते थे। उसके अलावा इसके साथ एकॉम्पनिंग जो मैक्सिलरी वेन्स होंगी वो भी यहीं पे होंगी, जैसे टेरिगेट वेनस प्लेक्सस, तो टेरिगेट वेनस प्लेक्सस भी इसका कंटेंट है। मैक्सिलरी नर्व कौन सी नर्व है, CNV2, तो मैक्सिलरी नर्व भी बेसिकली इसी का कंटेंट है। हम आगे एंड पे पढ़ेंगे टिरैगो पैलेटाइन गैंग्लिया, तो मैक्सिलरी नर्व बेसिकली टिरैगो पैलेटाइन गैंग्लिया के साथ एसोसिएटेड है। तो जिन आर्टरीज और नर्व्स को जो वेस्कुलर शीथ सराउंड करेंगी वो भी इसी का कंपोनेंट है। इसके अलावा जो फैटी मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा रिमेनिंग स्पेस में वो भी इसी का कंटेंट है। तो ये कंटेंट आपने याद करने हैं। अच्छा जी, अब हम इसके कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। तो टिरैगो पैलेटाइन फोसा बेसिकली लेटरली टिरैगो मैक्सिलरी फिशर, ये देखें टिरैगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू लेटरली किससे कनेक्टेड था, इन्फ्रा टेम्पोरल फोसा के साथ कनेक्टेड है। और मीडियली देखा जाए तो ये जो सफिनो पैलेटाइन फोरामेन है इसके थ्रू ये नेजल कैविटी के साथ जाके कनेक्टेड है, तो ये इसकी लेटरल एंड मीडियल कम्युनिकेशंस हो गई। अब देखते हैं सुपीरियरली, एक एंटीरियो सुपीरियरली और दूसरा पोस्टीरियो सुपीरियरली। एंटीरियो सुपीरियरली देखा जाए तो देखें ये जो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये ऑर्बिट के साथ कनेक्टेड है एंटीरियो सुपीरियरली। अब देखते हैं कि पोस्टीरियो सुपीरियरली ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये फोरामेन रूटेंडम एंड टेरिगेट कैनाल के साथ बेसिकली ये पोस्टीरियो सुपीरियरली अगर देखा जाए तो मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ जाके ये कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो ये आपने इसकी बाउंड्रीज़ याद रखनी है।